इसमें दो व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और जी हाँ नमस्ते प्रणाम दोस्तों, इस समय पूरे बिहार में यही बात का चर्चा हो रहा है कि छोटू कुमार के मर्डर केस में जिन जिन लोगों का हाथ है, क्या वो लोग अभी तक पकड़ा गया है या फिर नहीं पकड़ा गया है, या फिर पुलिस वालों ने अभी तक उन लोगों को क्या किया है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आरती कुमारी के घर वालों ने छोटू कुमार को बहुत ही बेरहमी तरीके से मर्डर कर दिया, जो कि दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर पूरे बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रहा है। लेकिन जनता का सवाल ये अभी उठ रहा है कि अभी तक उस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है या फिर नहीं किया गया है, या फिर किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है, या कौन कौन लोग अभी फरार है। जैसे कि दोस्तों पुलिस वालों से जब ये सवाल किया गया था, थाना अधिकारी से जब ये सवाल किया गया था, उनके तरफ से ये जवाब आया है कि अभी तक लड़की के पापा एंड लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी लोग अभी फरार हैं उन सभी लोगों को बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों उसमें नाम आता है लड़की के भाभी एंड लड़की के जीजा जी अभी फरार चल रहे हैं, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया है, अभी गिरफ्तार सिर्फ लड़की के पापा एंड लड़की के भाई को किया है। और दोस्तों पुलिस वालों ने ये भी बताया है कि जितने भी बिहार में पुलिस थाना है सभी पुलिस थानों में रिपोर्ट कर दिया गया है एंड उसका लोकेशन भी पता कर लिया गया है एंड बहुत ही जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये भी बताया है पुलिस वालों ने अपना सफाया देते हुए कि लेडीज पुलिस से भी लड़की के जो भाभी हैं, जो मेन कातिल है, उन्हीं के वजह से जो इतना खेल हुआ है, उन्हीं के वजह से छोटू कुमार को मर्डर हुआ है, उनको भी बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बहुत जल्द कड़ी से कड़ी सजा सभी लोगों को दिया जाएगा। जितने भी लोगों का हाथ है उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तो दोस्तों पुलिस वाले का कहना ये था। तो दोस्तों बस ये था छोटू केस का न्यूज जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जनता का अभी तक ये उठ रहा था कि अभी तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है या फिर नहीं किया है। ये था कुछ न्यूज जो हम आप लोगों को देना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा, ये न्यूज सुनने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये न्यूज सुनने में अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।